अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज फाइनली फाइनली टेंट टूट गया, और जो सीक्वेंस चलता आ रहा था, टॉस जीतो मैच जीतो, वो आज टूट गया। और दुख है थोड़ा बहुत कि आज मेरी टीम के अगेंस्ट ही वो टेंट टूटा और मैच मुल्तान हार की, और थोड़ा जो है ना डेंजर जोन में भी आ गई कि 5 गेमों में से एक जीती है। और जो है क्वेटा और मुल्तान दोनों जो है ना अब सेम लेवल पे हैं, बस रन रेट का फ़र्क है। तो पहले इसी मैच की बात कर लेते हैं। क्वेटा ने पहले बैटिंग की और 177 का टारगेट दिया, जो कि अगर पिछले मैचेस की बात करें तो कम था। और जैसे ही इन्होंने ये टारगेट दिया, मैं समझा शायद कि बस ये भी वही जो पीछे चलता आ रहा वही होगा, और मैं मुल्तान इसीलिए मैच जीत जाएगा। और जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है, हिटर्स मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हिटर्स ही हिटर्स हैं, तो मुल्तान इसीलिए चेस कर लेगा और कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आज जो डिफरेंट चीज़ नज़र आई जिसकी वजह से क्वेटा डिफेंड कर पाई, वो है अच्छी बॉलिंग। और दूसरी बात, क्वेटा जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेली है। जब तक PSL के मैचेस होते थे दुबई में, अगर PSL 1 से लेकर PSL 4 तक की बात करें, तो क्वेटा मैचेस जीतती ही थी अपने स्पिनर्स की वजह से। और आज उन्होंने टर्न देखा पिच में और स्पिनर्स को जो है ना इस्तेमाल किया, और 3 स्पिनर्स ने आज जो है वो काम करके दिया सरफराज को, जो कि पहले मिसिंग था। और 19 स्पिनर्स की वजह से वो आज मैच जीते हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कैश अहमद की, जिस तरह की उसने बॉलिंग की, 21 रन दिए और 3 विकेटें ली थी, तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। और रिजवान की विकेट जैसे ही गिरी उस वक्त क्लियर हो गया था कि बस अब जो है वो मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं खुशी मनाऊं कि ट्रेंड ख़त्म हुआ, या दुख मनाऊं कि मुल्तान हार गई है। तो मैं इसी कश्मकश में हूँ कि मैं क्या करूं। और चलो, ये तो ये मैच हो गया और जो होना था वो हो गया। अब बात करते हैं जो पिछला मैच हुआ है, कराची वर्सेस पेशावर की। पेशावर ने टारगेट ठीक दिया, 185, ठीक 189 का टारगेट दिया, जो कि ठीक है, जो मतलब डिफेंडेबल है, डिफेंड किया जा सकता है। और फिर उसके बाद उनकी बॉलिंग आई, और बॉलिंग में उन्होंने 10 ओवर्स तक तो बहुत अच्छा खेला। 10 ओवर्स में कराची के 65 रन्स थे, मतलब 60 बॉल्स में 65 रन्स थे, और उनको 123 चाहिए था अगले 60 बॉल्स में। और उसके बाद जो बॉलिंग की है पेशावर जलमी के बॉलर्स ने, इंतहाई कोई बेकार बॉलिंग की है, और जितनी उसकी मजम्मत की जाए ना कम है। इतनी फजूल बॉलिंग। अच्छी बॉलिंग कर सकते थे और डिफेंड करना आसान था, क्योंकि हर ओवर में 12 रन्स 13 रन्स बनाने थे, जो कि अगली टीम पे कॉन्स्टेंट एक प्रेशर था, और वो उन्होंने प्रेशर खुद बहुत रिलीज़ किया। और अगर इस मैच की बात करें तो जो मैन ऑफ द मैच था वो वही था जिसने मैच बनाया भी पेशावर के लिए और मैच बिगाड़ा भी। और अहमद भट्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और जैसे वो मैच में जो है वो पेशावर की टीम को वापस लाया, उसी तरह उसने मैच ख़राब भी किया। और एक ओवर में उसने 32 रन्स किए एंड पे, और फिर बाद में जब बॉलिंग गई तो उसने उन ऑलमोस्ट काफ़ी रन्स खा लिए, और वो भी बाबर आजम के अगेंस्ट। और जो मैच वो जीत सकते थे तो वो उन्होंने खुद अपने हाथ से जो है ना जाने दिया। और मुझे उस मैच में ज़्यादा लग रहा था कि ट्रेंड टूट जाएगा, लेकिन नहीं टूटा उस मैच में ट्रेंड, और कराची ने मैच जीत लिया। अब अगर उस मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से कराची ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की जितनी बुरी बॉलिंग पेशावर ने की है, कि जो है उनको बनाने दिए स्कोर, और अगर अच्छी बॉलिंग करते तो शायद वो ना बना पाते। तो मैं तो ज़्यादा कसूरवार पेशावर की बॉलिंग को ही कहूँगा कि उन्होंने गलतियाँ की हैं, उन्होंने बॉलिंग ठीक जगह पे नहीं की, और उसी का फ़ायदा उठाया कराची ने। और बाबर आजम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला, और जो लोग उंगलियाँ उठा रहे थे ना बाबर आजम पे कि वो सेल्फिश है, वो अपने लिए खेलता है, आज उसने दिखा दिया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्रीज पे स्टे करना कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब जब एक टाइम था जब 60 10 ओवर्स में 65 रन थे, उसके बाद
तो कोई भी प्लेयर जो है ना वो अपना वो शेप लूज कर देता है और गंदी शॉट मार के आउट हो जाता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने मेक श्योर किया कि मैं एंड तक रहूँ और हो सकता है चांस बन जाए जीतने का, और वो एंड तक रहा और उसने फिर खुद तो फिनिश नहीं किया लेकिन रहा एंड तक और मेक श्योर किया कि कराची जो है ना वो मैच जीत जाए, और इस जीत के साथ जो है कराची टॉप टॉप ऑफ द टेबल भी चली गई है। तो मुबारकबाद हो कराची के लिए, और मुल्तान के लिए थोड़ा सा मैं अफसोस है कि डेंजर जोन में आ गए हैं और मुश्किल है, मुल्तान और क्वेटा लग रहे हैं कि शायद टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, ये दो मैचेस थे जो जिन पर मैंने आज बात की है, तो इनशाला फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।